नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज वराज की वीडियो में। हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन रीजन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मतलब ये फाइनल कट ऑफ भी होगा जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जाने वाला है। और आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी में स्टेज वन में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें 35,277 वैकेंसी के लिए ये एग्जाम हुआ था, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि लगभग 1,26,00,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से लगभग 70,00,000 बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम देने के लिए और 1,26,00,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और लगभग 50% अटेंडेंस हुआ था। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फाइनल कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कि एक्सपेक्टेड है, इतना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है जोन वाइज। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अहमदाबाद जोन के बारे में बात करें तो 66 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का हर जोन में कम जाएगा, 56 के आसपास से यहाँ कट ऑफ जाएगा ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी का 62 के आसपास है, एससी का 56 के आसपास, एसटी का 50 के आसपास, और वैकेंसी देख सकते हैं 1,024 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें अजमेर के बारे में तो अजमेर का कट ऑफ वहीं पे हाई देखने को मिलेगा, 72 के आसपास कट ऑफ जा सकता है अजमेर का, 70 से 72। ईडब्ल्यूएस 58, ओबीसी 68 है और एससी 60 है और एसटी कैटेगरी 78, नहीं सॉरी 58। उसके बाद इलाहाबाद का देखिएगा, 72 के आसपास कट ऑफ जा सकता है, 72 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 72 से कम रहेगा। ईडब्ल्यूएस 62 है, ओबीसी देखिएगा, ओबीसी का 70 के आसपास जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा एससी कैटेगरी 59 और यहाँ पे एसटी 49 के आसपास जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंगलोर के बारे में तो बैंगलोर में 64 जा सकता है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का 56 और ओबीसी का 56, और यहाँ पे अगर हम बात करें एससी का कम जाएगा, 42 नंबर है और 38 नंबर जाएगा एसटी कैटेगरी का। उसके बाद अगर हम बात करें भोपाल का तो 67 नंबर यहाँ एक्सपेक्टेड है अनरिजर्व कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 56, ओबीसी का 63 है, और उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का 56 है और 50 नंबर एसटी कैटेगरी का जा सकता है, भोपाल में कट ऑफ हाई रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें भुवनेश्वर का तो भुवनेश्वर हम 68 नंबर तक जा सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 58 ईडब्ल्यूएस का जा सकता है, जनरल का 68 है, 64 ओड ओबीसी का, 51 नंबर एससी कैटेगरी, 48 नंबर एसटी कैटेगरी। उसके बाद बिलासपुर का देखिएगा, 65 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस 56 के आसपास है, ओबीसी 61 के आसपास है, एससी कैटेगरी 52 के आसपास है और एसटी कैटेगरी 50 के आसपास। चंडीगढ़ का देखिएगा, 72 जा सकता है और ईडब्ल्यूएस का 62 के आसपास है, ओबीसी का 70 के आसपास है, एससी का 64 के आसपास है और एसटी का 50 के आसपास। चेन्नई का देखिएगा, 66 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस का चेन्नई का 66 के आसपास जा सकता है, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 54 के आसपास है और ओबीसी 58 के आसपास है और एससी कैटेगरी जा सकता है 53 के आसपास है, और यहाँ पे देखिएगा 48 के आसपास जा सकता है एसटी कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी पे आप ध्यान दीजिएगा, चेन्नई में कट ऑफ कम जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें गोरखपुर में, जनरल कैटेगरी का 68 है, ईडब्ल्यूएस 57 भी जा सकता है, उसके बाद ओबीसी का 64 के आसपास है। गोरखपुर अगर हम बात करें, गोरखपुर में अगर हम बात करें यहाँ पे कौन से कैटेगरी है, ये एससी कैटेगरी का 55 के आसपास है और एसटी कैटेगरी का 49 के आसपास है देखने को मिलेगा। गुवाहाटी में देखिएगा, गुवाहाटी में 66 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है, यूआर कैटेगरी का रिजर्व कैटेगरी का 66 है, ईडब्ल्यूएस 51, ओबीसी 55, एससी 50 और एसटी 50। जम्मू में देखिएगा, 68 के आसपास देखने को मिलेगा यूआर कैटेगरी का, और ईडब्ल्यूएस देखिएगा 56 नंबर है और ओबीसी 57, एससी 50 है और 46 नंबर एसटी कैटेगरी। ठीक है, कोलकाता का देखिएगा कम जाएगा, 67 के आसपास देखने को मिलेगा, यह से भी कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, 55 के आसपास देखने को मिलेगा, 55 के आसपास है नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ईडब्ल्यूएस का कटअप देखने को मिलेगा 63 के आसपास है, 63 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 63 के आसपास आपको कोलकाता का कटअप देखने को मिलेगा, ओबीसी का 57 के आसपास देखने को मिल सकता है आपको कटअप है, 57 के आसपास देखने को मिल सकता है कटअप आपको कोलकाता का एससी कैटेगरी का, और 50 का एससी कैटेगरी का 50 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद मालदा का देखिएगा, 61 हो जाएगा, मालदा का 61 हो जाएगा, और उसके बाद मालदा का 61 हो जाएगा, यहाँ पे मालदा का 61 के आसपास देखने को मिल सकता है, और मालदा 61 और यूआर कैटेगरी कम जाएगा, इससे भी कम जाएगा, 61 तो मैंने हाई बता दिया बट इससे भी कम जाने का उम्मीद है, मुझे लगता है 57 के आसपास भी जाएगा मालदा का। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 52 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 56 के आसपास है ओबीसी कैटेगरी और 45 के आसपास एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, 52 या 38 के आसपास देखने को मिलेगा, नहीं 42 के आसपास।
उसके बाद मुंबई का 70, यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 55, उसके बाद ओबीसी 65 है, और एससी कैटेगरी 62 है, और एसटी कैटेगरी 55। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मुजफ्फरपुर का, देखिएगा मुजफ्फरपुर का यहाँ देखिएगा 56 के आसपास है, यूआर कैटेगरी 50 के आसपास है आपको देखने को मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस है 50 के आसपास, ओबीसी 40 है और 40 एससी एसटी। उसके बाद पटना का 70 है, यूआर कैटेगरी 59, ईडब्ल्यूएस 65 है, 65 ही देखने को मिल सकता है आपको, 59 से कम रहेगा, जो भी कटअप मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही जाएगा, मैक्सिमम मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। ओबीसी 65 है और एससी 56 और एसटी 54। उसके बाद यहाँ बात करें 54 से कम रहेगा, रांची 69 के आसपास यूआर कैटेगरी नॉर्मलाइजेशन के बाद है, और 58 के आसपास है रहेगा आपका, यहाँ पे 58 के आसपास ईडब्ल्यूएस है, 63 के आसपास रहेगा किसका, ओबीसी कैटेगरी रांची, 55 के आसपास रहेगा, 55 के आसपास रहना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी, 55 के आसपास एससी कैटेगरी, और 52 के आसपास रहेगा एसटी कैटेगरी। सिकंदराबाद 70, 52 ईडब्ल्यूएस है, 66 ओबीसी, 62 एससी, 58 एसटी। सिलीगुड़ी 57 सबसे कम रहेगा, 48 ईडब्ल्यूएस, 53 53 53 ओबीसी, 50 एससी और 47 एसटी। ठीक है, तिरुवनंतपुरम 72 हाई कटअप देखने को मिलेगा यहाँ पे, 52 ईडब्ल्यूएस है, उसके बाद 68। सबसे पहले जो मैंने बताया वो है यूआर कैटेगरी, 52 यानी 58 किसका देखने को मिलेगा, ओबीसी 68 ओबीसी, 54 एससी कैटेगरी, 54 एससी कैटेगरी, और 50 नंबर 50 मार्क्स है एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम का सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाला है। तो जितने भी जोन थे उनका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनेगा सभी जोन का मैंने बता दिया आपको, और इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।